नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने ही चैनल माहिदा टेकी पर। तो बड़ा मज़ेदार वीडियो है आज का। आपको बताया था मैंने गब्बर सिंह स्टाइल में जो शॉर्ट्स डाला था कि टिक वॉच का रिव्यू करने वाले, टिक वॉच GTH का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच लगी यार मुझे तो। ये मज़ा आया वीडियो बनाने, मतलब अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी तक तो हम इस वॉच को टच नहीं कर पाए थे, मतलब टिक वॉच ब्रांड को महंगा होने की वजह से, लेकिन ये काफ़ी बजटेड स्मार्ट वॉच है और वाकई में बड़ा मज़ा आया इसका रिव्यू करके। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इसका बॉक्स देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स है और ये अंदर वॉच पूरी प्रोटेक्टेड है फॉर्म के साथ में। ये इसका मैनुअल है जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हैं, देखने में बहुत बड़ा है क्योंकि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में बनाया गया है। QR कोड दे रखा है और ये साथ में पोगो पिन चार्जिंग केबल है मैग्नेटिक, जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं वॉच की तो सबसे पहले इसका स्टिकर उतारते हैं तो देखिए काफ़ी प्रीमियम फील वाली वॉच है, बताऊँ फर्स्ट इंप्रेशन तो था इसका। बात करते हैं फटाफट वॉच को खोल के तो देखिए इसमें बीजल आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 सेंटीमीटर के नीचे। साइड में स्टाइलिश सा बटन है, पीछे आप सेंसर देख सकते हो। पूरी एल्युमिनियम की इसकी बॉडी है, सिंगल एलॉय में बनी हुई है, 1.55 इंचेस की हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन है 320x360 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ में, तो लुक्स एंड फील में काफ़ी प्रीमियम है ये वॉच। तो एलॉय बॉडी होने की वजह से, मेटल एलॉय बॉडी होने की वजह से वेट थोड़ा सा हायर साइड पे है 48 ग्राम्स। अब जरा वॉच को ऑन करके इसका खूबसूरत सा हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑन करते ही QR कोड आ गया, अब आपको इसको स्कैन करना है और ये डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर में जो इसकी एप्लीकेशन है मोब, वही एप्लीकेशन वहाँ ले जाएगा और वहाँ ले जाते आप इसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करते आप ऐड डिवाइसेस में जाएंगे और GTH सेलेक्ट करेंगे तो इसी QR कोड को आप दोबारा स्कैन करेंगे। तो जी हाँ, ये मल्टीपर्पज़ QR कोड हो गया है तो ये स्कैन करते ही देखिए वॉच हो जाएगी आपकी, आपके मोबाइल के साथ सक्सेसफुली पेयर। उसके बाद आपको एज यूजुअल सारे के सारे ज़मीन जायदाद अपने घर वालों का सबका एक्सेस दे देना, मजाक कर रहा हूँ, मतलब फ़ोन के सारे एक्सेस इसको दे देने हैं। और ये मोब वही दो बार आ रहा था, ये थोड़ी मुझे हैरानी हुई, वरना एक बार आता है एप्लीकेशन का, फिर अपनी वही पर्सनल डिटेल्स फिल करके वॉच को एक्टिवेट कर सकते हैं। और फर्मवेयर अपग्रेड आएगा वो जरूर कर ले। मेन्यू एंड फीचर्स की बात करते हैं हम दोस्तों, स्वाइप अप करते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। एक बार में 5 नोटिफिकेशन इसमें आते हैं छोटे साइज के, फिर वेदर अपडेट, स्लीप ट्रैकर, सारे स्पोर्ट्स मोड और ये हेल्थ का डेटा सारा आ जाता है जो जो आपको मेजर करना है, हार्ट रेट का अलग से दिया और ये वेदर अपडेट। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आते हैं तो वही आपका DND आ जाता है और पावर सेवर मोड, टॉर्च, ब्राइटनेस सेटिंग्स। फिर बटन दबाते ही देखिए नोटिफिकेशन सारे स्पोर्ट्स मोड आ जाते हैं, इसमें सारे स्पोर्ट्स मोड देख सकते हैं। टिक एक्सरसाइज में फिर टिक हेल्थ है और हेल्थ के अंदर वही सारे ऑप्शन जो आपको पहले मेन स्क्रीन पे दिख रहे थे। फिर आपका टिक स्लीप है, टाइमर है, स्टॉप वॉच, वेदर, म्यूजिक कंट्रोल और सेटिंग्स में जाके आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं और 5 लेवल तक की ब्राइटनेस का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि वॉच पहन के लगती कैसे इसकी, एक बार क्लोजर लुक आप देख लीजिए। तो काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है इसको पहन के, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें GTS या GTS 2 डाल दिए यार। काफ़ी अच्छा डायल है, काफ़ी अच्छी टक्कर है क्वालिटी की, तो काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है इसको डाल के। उसके बाद अगर इरेज टू वेकअप का रिस्पॉन्स देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा मुझे ये स्लो लगा, यहाँ पे लगभग आधा सेकेंड इसने लिया है तो ये हल्का सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉचेस। अब ज़रा देखते हैं सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर करती है नहीं करती वॉच। तो टिक वॉच में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो इसके सेंसर्स को चेक करना बनता है। देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ये हार्ट रेट मॉनिटर कर ही नहीं रही है वॉच, पीछे सेंसर्स में भी कोई लाइट नहीं जल रही है तो काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पे। फिर एक बार इसका बॉडी टेम्परेचर का भी देखते हैं भाई, के सर्फेस का भी टेम्परेचर ना बताते, लेकिन ये बस घूमे ही जा रहा है, इसने नहीं किया। और उसके बाद जो है देखिए सेंसर बिल्कुल नहीं चला। फिर मैंने कहा एक बार जो इसका रेस्पिरेटरी वाले कि आप कितनी ब्रीथ लेते हैं 1 मिनट में वो भी चेक कर लें, तो वो भी इसने मेजर नहीं किया है। तो सारे सेंसर जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर एक बार चलिए जरा SPO2 को भी चेक कर लेते हैं कि उसके सेंसर का क्या रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे। तो देखिए SPO2 का सेंसर जब चलाया तो वो भी नहीं चला, तो बहुत बढ़िया काम किया। अब अगर एक्यूरेसी देखिए, देखिए ऑक्सीमीटर में 74-73 आ रही, उतनी 75 ही वॉच में आपको देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे हार्ट रेट की हमको देखने को मिल जाती है।
अभी भी देखिए डेटा बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और अब हम SpO2 की रीडिंग्स की बात करते हैं, तो SpO2 की अभी स्टार्ट हुई है और ये देखिए काफ़ी जल्दी SpO2 की रीडिंग आ गई है। देखिए 98 98 एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो टिक जो है काफ़ी फेमस ब्रांड है, इसका अपना ही स्लीप का एल्गोरिथम है, अपना ही सब कुछ है, तो आप एक्यूरेसी देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफ़ी ज़बरदस्त है। जनरल मोबाइल एप्लीकेशन की सेटिंग की बात करते हैं, देखिए डिवाइस में जाएंगे तो आप इस वाले मोड में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, थर्मोमीटर सब की सेटिंग कर सकते हैं। फिर आप यहाँ रिमाइंडर में जाएंगे तो आप एप्लीकेशन देखिए, इसमें भी काफ़ी लिमिटेड एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा एप्स नहीं है इसके अंदर भी। और उसके बाद आप जाते हैं अगली सेटिंग्स में, तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन लाइट बढ़ा सकते हैं, अपना टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो बॉडी टेम्परेचर के लिए तो फ़ारेनहाइट ही चेक करते हैं। फिर उसके बाद ये जो पेयरिंग का हो गया, तो काफ़ी सारे सेटिंग के ऑप्शन है, मतलब ये आपकी आपकी कम्युनिटी हो गई, यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आपकी बाकी जनरल सेटिंग होती है, आप थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी डेटा सिंक कर सकते हैं अपना, तो फीचर्स जो रिक्वायर के होते हैं वो इसमें अवेलेबल है। आउटडोर विजिबिलिटी भी देखिए काफ़ी अच्छी है दोस्तों, इस टाइम ब्राइटनेस फुल पे है, तब भी कलर्स जो है काफ़ी निखर के आ रहे हैं बाहर, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी आउटडोर विजिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको देखने में। इनकमिंग कॉल के नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो देखिए मैंने कॉल मिला दिया है, जैसे ही वॉच में आया वैसे ही फ़ोन में आया, मतलब कोई लैग देखने को नहीं मिला है दोनों के अंदर। इसमें प्रीसेट क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन नहीं है, आप जो है कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं और साइलेंट कर सकते हैं वॉच के अंदर, और फ़ोन की कॉल को आप म्यूट नहीं कर सकते हैं थ्रू वॉच। फिर दोस्तों देखिए अब हम व्हाट्सएप की कॉल की बात करते हैं, तो जैसे ही व्हाट्सएप का कॉल आता है तो वॉच में नोटिफिकेशन आ जाता है, ना आप इसको उठा सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि यस व्हाट्सएप की कोई इनकमिंग कॉल आ रही है। नोटिफिकेशंस की बात करें तो देखिए नोटिफिकेशन जैसे ही फ़ोन में आता है उसी टाइम वॉच में देखने को मिल जाता है। अब लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो एज़ यूजल मैंने वही एक लंबा सा मैसेज भेजा है, लेकिन देखिए उसकी सिंगल लाइन तक नहीं है इसमें, तो इसमें मैंने देखा है 2 3 लाइन से ज़्यादा बड़ा मैसेज आता ही नहीं है, और जो बड़ा मैसेज है उसकी तो एक भी लाइन शो नहीं करता, तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ हूँ इस वॉच से। वाटरप्रूफिंग टेस्टिंग की बात करते हैं, देखिए दोस्तों मैंने इसको भरी बारिश में रख दिया है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है आज दिल्ली में, तो ये 5 ATM है, मतलब आप इसको 50 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं, स्विमिंग के लिए ये वॉच जो है आइडियल है। एक्टिविटी ट्रैकिंग की बात करें दोस्तों, तो बारिश की वजह से मैंने कहा चलो इंडोर वर्कआउट करते हैं, तो पहले जब मैंने 300 स्टेप चला तो 274 कैप्चर किए, उसके बाद 210 के करीब स्टेप चला था 211 कैप्चर हुए थे, फिर मैं चला 400 तो कैप्चर हुए 402 स्टेप्स, और फाइनली जब मैं 300 चला तो 285, तो स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी ज़बरदस्त है। तो ये कुछ इस तरीके से मोबाइल ऐप के अंदर वर्कआउट का डेटा दिखता है, तो यहाँ मुझे काफ़ी निराश हुई, काफ़ी कम डिटेल से इवन स्टेप काउंट तक इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं कि कितने स्टेप चले थे उस पर्टिकुलर वर्कआउट के अंदर। जैसे बाकी हमने एप्लीकेशंस के अंदर देखा है वहाँ भरमार होती है, लेकिन यहाँ मेजर जो है हार्ट बीट पर फोकस किया गया है, बाकी डिस्टेंस ड्यूरेशन और कैलोरीज के ऊपर ही। स्लीप ट्रैकर की एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, इवन अवेक टाइम भी, जबकि अवेक टाइम मैंने देखा है बहुत सारी वॉचेस में काफ़ी ज़्यादा आता है, इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेट दिखा रहा है। बाकी आप SpO2 हो गया आपका और हार्ट रेट का भी डेटा इसमें देखने को मिल जाता है, तो आई एम इम्प्रेस्ड। वॉच फेसिस की बात करते हैं, देखिए दोस्तों वॉच के अंदर जो है एक बार में 5 वॉच फेस आ सकते हैं, आप ये देख सकते हैं जो इसके प्री इंस्टॉल्ड वॉच फेसिस हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 70+ वॉच फेसिस आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, और काफ़ी कलरफुल वॉच फेसिस हैं, और हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले होने की वजह से ये वॉच फेसेस काफ़ी निखर के आते हैं, कस्टमाइज वॉच फेस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एक इशू मुझे ये इसमें आया, ये देखिए मैंने 7 टाइम्स पे वीडियो चला रखा है, मतलब 8 गुना स्पीड पे वीडियो चला रखा है, इसको एक वॉच को सिंक होने में 3 से 4 मिनट लग रहे थे, जो कि बहुत इरिटेटिंग लगा मुझको। उसके बाद बात करते हैं, देखिए तो वॉच फेस जब लग जाते हैं तो काफ़ी सुंदर लिखते हैं, जैसे ही आप ये कलर देख सकते हैं येलो कलर, इससे पहले ग्रीन कलर था, और उसके बाद आप ये वाला कलर देख सकते हैं, कस्टमाइज वॉच फेस भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस वॉच में देखने में। देखिए
देखिए बैटरी बैकअप की बात करते तो मैंने वॉच को 100% चार्ज किया था यूज़ करने से पहले, और सारे सेंसर्स ऑन रखने के बाद भी अभी भी उसकी बैटरी बैकअप 83% है। 1.5 दिन हो गए हैं, तो आप अगर सारे सेंसर्स ऑन रखते हैं तो 4 से 5 दिन और बिना सारे सेंसर ऑन रखे कम से कम 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली वीडियो तो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश करी थी, मैं थर्मामीटर वाला भी रिकॉर्ड करना चाहता था कि टेम्परेचर सही आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था क्योंकि किसी को फीवर हो उस पर टेस्ट करें तो यार ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे थर्मामीटर लगा के बैठे थोड़ा ऑड भी लग रहा था, तो मुझे मैंने झिझक के मारे वो वाला रिव्यू किया नहीं आप सबके लिए। फिर अगर इसकी कुछ अच्छी बातों की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले एंड लुक्स तीनों ही बहुत अच्छे हैं। बड़ी प्रीमियम लुक आती है डिस्प्ले जो है, हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले जो काफ़ी अच्छा लगता है। पूरी एल्यूमिनियम की बिल्ड है तो मज़ेदार बात है। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो एक्यूरेसी है सारे सेंसर्स की, तो इसमें नई चीज़ जो देखने को मिली आ रही है वो जो ब्रीथ जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली है, तो वो बड़ा यूनिक फीचर मुझे लगा अभी तक किसी वॉच में मैंने देखा नहीं था। उसके अलावा हार्ट रेट ले लो, SpO2 ले लो, टेम्परेचर मॉनिटर ले लो, तो काफ़ी अच्छे से इसके सेंसर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसके UI के बारे में, तो UI में बिल्कुल भी लैग नहीं है। जैसे कम बजट में अगर टिक वॉच आई है तो UI में लेकिन कोई लैग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो इसकी एप्लीकेशन है MobWay एप्लीकेशन, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो एक फ़ीचर और मुझे अच्छा लगा वो लगा पावर सेविंग मोड, तो उससे आप अपनी बैटरी बचा सकते हैं। इस रेंज में ये वाले फ़ीचर्स थोड़े कम ही वॉचेस में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कि इसकी जो वाइब्रेशन है आप उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब आप वाइब्रेट मोड से इसको हटा सकते हैं, तो एक और अच्छा फीचर लगा मुझे इस वॉच के अंदर। तो ओवरऑल मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद बात करते हैं जो चीज़ें इसमें और अच्छी हो सकती थी। पहली बात है कैमरा कंट्रोल देना चाहिए, बड़ा डिमांडिंग फीचर है, 4800 रुपये में वो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद बात करते हैं जो वॉच फेस लगाने में मेरे को तो दिक्कत आ रही थी यार, मैंने फ़ोन से ट्राई किया, स्विच ऑफ करके ऑन भी किया अपने फ़ोन को, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। एक बार अगर कोई आप में से वॉच खरीदता है तो वो मुझे ज़रूर बताएं क्या उनको भी ये चैलेंज फेस आ रहा है। फिर बात करते हैं कि जो वर्कआउट का जो एनालिसिस है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जैसे आप Amazfit की ज़ैप एप्लीकेशन देखिए, MI की ऐप देखिए, ऑनर की देखिए, इवन नॉइस की भी देखिए, तो काफ़ी डिटेल में वर्कआउट डेटा आता है। इसमें तो यार स्टेप काउंटर भी नहीं आ रहा था, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। फिर बात करते हैं कि नोटिफिकेशंस, तो वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ क्योंकि एक मेन फीचर होता है, आप कुछ दिन तक तो एक्सरसाइजेस वाले फीचर यूज़ करते हैं, लास्ट में बचता है नोटिफिकेशन, कॉल वॉल, बैटरी, तो नोटिफिकेशन ही नहीं आते। छोटे छोटे से 2-3 लाइन का नोटिफिकेशन आ रहा था, तो वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। फिर बात करते हैं कि जो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के जैसे नोटिफिकेशन दिख जाने चाहिए जैसे बाकी ऐप्स में दिखते हैं, इसमें वही लिमिटेड जो पॉपुलर ऐप्स हैं उन्हीं के नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं क्या इस वॉच की वर्थ है 4800 रुपये। तो अगर मैं बात करूं, देखो इसकी सेगमेंट में काफ़ी सारी वॉचेज़ हैं, BPU Pro, और अगर ऑनर ES की भी बात करता हूं तो इसने पूरी तरीके से टक्कर दिया। ये वॉच मैं स्पेशली उनको रिकमेंड करना चाहूँगा जो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं, जो गोकी स्मार्ट वाइटल टाइप वॉचेस खरीदना चाहते हैं जिनका मेन फोकस जो है हेल्थ और एक्यूरेसी के ऊपर ही है। हाँ, इसमें बिल्टिंग GPS है, कनेक्टेड GPS होता तो और मज़ा आ जाता, वो भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ, तो जिससे डिस्टेंस की एक्यूरेसी जो इसकी खास नहीं है। स्टेप काउंटर इसका काफ़ी हद तक एक्यूरेट था, तो ये प्योरली हेल्थ वालों को डेडिकेटेड वॉच है, आप ज़्यादा मज़े नहीं ले सकते। जैसे अगर मैं Amazfit की वॉच से कंपेयर करूँ या ऑनर की, उनमें फ़ीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, या नॉइस में, इसमें फ़ीचर्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं भरे हुए हैं, लिमिटेड फ़ीचर्स हैं एप्लीकेशन में भी, लिमिटेड फ़ीचर है वॉच में पूरी की पूरी। मतलब टिक वॉच का अगर आप 11,000-12,000 की भी वॉच देखेंगे तो उसमें बिल्टिंग GPS के अलावा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वॉच बनाती है सिर्फ पूरी की पूरी परफॉर्मेंस के लिए, कि जो भी इसके अंदर चीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म करके आपको दे सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला कंपैरिजन लाएंगे हम Colorfit Ultra के साथ में जल्दी ही, अभी वॉच डिलीवर हुई नहीं है, पता नहीं कब होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।